Friends, myself Ravi Bhardwaj, and you are watching my YouTube channel CSE Tutes for You. That means Computer Science and Engineering Tutorials for You. So friends, in this tutorial we will discuss about the computer language and scripting language. So friends, मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कंप्यूटर के जनरेशंस के बारे में, जहां पर मैं आपको बताया था कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज पे कैसे कार्य करता है. मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज, जिसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में भी जानते हैं, तो वो जो हमारा कंप्यूटर होता है मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में काम करता है, जिसके जो वैल्यूज होते हैं वो जीरो या फिर वन होते हैं. जीरो का मतलब होता है फॉल्स और वन दैट मीन्स होता है ट्रू. तो ट्रू और फॉल्स मतलब जीरो और वन के रूप में वर्क करते हैं, तो ऐसे जो हमारे मशीन्स होते हैं हमारे मशीन लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं. तो जो जनरली लैंग्वेज होता है जिसपे कंप्यूटर वर्क करता है वो तो हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज होता है. तो अगर हम लोग किसी भी दूसरे लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं तो उसको हमको कन्वर्ट करके सिस्टम को बताना होता है कि हम क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, देन वो सिस्टम उसे प्रोसेस करके हमको आउटपुट प्रोवाइड कराता है. तो जो हमारा कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है उसको जनरली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला होता है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज. तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज. तो लो लेवल लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम करते हैं वो प्रोग्राम को जनरली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. मतलब लो लेवल लैंग्वेज हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है मशीन लेवल लैंग्वेज और एक होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज. मशीन लेवल फ्रेंड्स आप समझिए, मशीन लेवल मतलब ऐसा लैंग्वेज जिसके प्रोग्राम को मशीन के द्वारा समझा जाए, वो उस टाइप के प्रोग्रामिंग को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कहते हैं. और वो सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम होता है वो केवल जीरो और वन को ही समझता है. तो जीरो और वन के रूप में जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उस प्रोग्रामिंग को हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करेंगे, और वो मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली समझा जाता है और डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया जाता है. इसके बाद जो सेकेंड टाइप होता है लो लेवल लैंग्वेज का, वो होता है असेंबली लैंग्वेज. तो असेंबली लैंग्वेज हमारा मशीन लैंग्वेज से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. हमें सारा इंस्ट्रक्शन 0101 के फॉर्म में लिख करके देना होता है, और जो हमको आउटपुट भी मिलता है वो भी 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया जाता था. फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में केवल मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होता था, और आउटपुट भी हमको मशीन लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में होता था, जो कम कम विश्वसनीय होता था, कम रिलायबल होता था. उसके बाद आया असेंबली लेवल लैंग्वेज. तो हमारा कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग होता था वो मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में होता था. तो जो हमारा असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है वो न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, एक प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग सिस्टम पे प्रोग्रामिंग करते हैं. तो जो असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम करते हैं तो उस प्रोग्राम को भी हमारा सिस्टम नहीं समझता है, तो वहाँ पर असेंबलर होता है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद हमारे सिस्टम को देता है, देन सिस्टम उसे समझ के प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड करता है. तो ये भी हमारे लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर ही रखा गया है. इसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है, सेकेंड टाइप है कंप्यूटर लैंग्वेज का, वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज. तो हाई लेवल लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो यूजर फ्रेंडली होते हैं, मतलब यूजर के द्वारा समझे जाते हैं, लिखे जाते हैं. इन लैंग्वेज के अंदर आते हैं हमारे कैपिटल ए टू जेड लेटर्स, स्मॉल ए टू जेड लेटर्स, 0 to 9 नंबर्स या अदर सिम्बॉल्स, जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी जितने भी सिम्बॉल्स होते हैं कीबोर्ड में आपको दिखेंगे, वो सारे के सारे सिम्बॉल्स अक्षर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं. तो जो यूजर होता है, ह्यूमन होता है, जो कंप्यूटर पे यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग दे रहा है, कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन बना रहा है, तो वो उसी हाई लेवल लैंग्वेज को ही समझता है. बट हमारा जो कंप्यूटर होता है उस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कंटेंट को नहीं समझता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं, जैसे हमारा असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, जो मैं आपको ये नेक्स्ट वाले स्लाइड के अंदर क्लियर करूँगा. अभी बस आप इतना समझिए कि हाई लेवल लैंग्वेज हमारे स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, बाकी जो 0 to 9 नंबर से अदर सिंबल होते हैं वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं. और इस लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम करते हैं, इन सभी चीज़ों का यूज करके जो प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. तो जैसे यहाँ पर हाई लेवल
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ लिस्ट दी हुई है, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आता है हमारा कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये कोबोल का फुल फॉर्म होता है। वैसे ही होता है नेक्स्ट फोर्ट्रॉन, तो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला का FOR और ट्रांसलेशन का TRAN। तो ये फॉर्मूला और ट्रांसलेशन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है फोर्ट्रॉन। वैसे ही होता है बेसिक, बेसिक ये जो अपने नॉर्मल बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो ये हमारा बेसिक। जैसे कि हमारे सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस या जावा, ये सारे लैंग्वेज हैं हमारे बेसिक लैंग्वेज कहलाते हैं। और ये सारे लैंग्वेज हमारे हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि इनमें जो हम लोग कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन इन्हीं अल्फाबेट्स नंबर और अदर सिंबल्स का यूज करके बनाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। तो ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होते हैं जिसे यूजर आसानी के साथ समझ सकता है। तो सो फ्रेंड्स, ये हमारे दो टाइप के लैंग्वेज होते हैं जो हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए सिस्टम में यूज करते हैं। आपको यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि हमारा सिस्टम पे कैसे लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ और सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, जो सबसे नीचे होता है हार्डवेयर जो किसी भी टास्क को प्रोसेस कराता है, तो हार्डवेयर के ऊपर होता है मशीन लैंग्वेज। तो ये हार्डवेयर को चलाने के लिए जो लैंग्वेज पे प्रोग्रामिंग होता है वो प्रोग्रामिंग हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज पे होता है। हार्डवेयर हमारा मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है, इसलिए इसको मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड होता है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज हमारे निमोनिक कोड्स होते हैं जो इसका यूज हम लोग कमांड्स के जैसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए सिस्टम पे करते हैं। तो जब हम लोग असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं तो जो असेंबलर होता है उस असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, देन हार्डवेयर को देता है, हार्डवेयर उसको समझ के प्रोसेस करता है। इसके ऊपर होता है असेंबली लैंग्वेज के बाद होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आते हैं जैसे हमारे कोबोल, सी लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन, पास्कल, सी सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, एसपी, आप जितने भी लैंग्वेज आज के टाइम में इस यूज करते हैं सारे के सारे हमारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं। इन हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम करते हैं, देन इसमें ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, और इसके प्लेटफॉर्म के लिए जो इसका जिस भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं उसका प्लेटफॉर्म होता है जो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद वो इंफॉर्मेशन हार्डवेयर के पास जाती है, देन हार्डवेयर उसको प्रोसेस करके वापस से उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमको आउटपुट प्रोवाइड कराता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से टास्क परफॉर्म करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो वो ट्रांसलेटर प्रोग्राम तीन टाइप के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो फ्रेंड्स, ये आप ध्यान से समझिएगा, जो ये असेंबलर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर है ये हमारे ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई हार्डवेयर नहीं होते हैं। तो जो असेंबलर होता है, असेंबलर मतलब असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए जो प्रोग्राम होते हैं, अगर हमको उस प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हम लोग जिस ट्रांसलेटर प्रोग्राम का यूज करते हैं वो कहलाता है असेंबलर। उसके बाद सेकेंड होता है कंपाइलर। तो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड मतलब 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। वैसे ही इंटरप्रेटर भी होता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो बट हमको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। असेंबलर तो क्लियर है कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, बट कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि अगर हम लोग ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, तो ट्रांसलेटर एक ही बार में जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को एक ही बार में 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक पेज का इंस्ट्रक्शन है या 50 लाइन के इंस्ट्रक्शन है या 100 लाइन के इंस्ट्रक्शन है, अगर आप कंपाइलर का यूज करते हैं तो वो एक ही बार में वो 100 लाइन के इंस्ट्रक्शन को एक ही बार में 0 और 1 में कन्वर्ट करके सिस्टम को दे देता है। बट अगर हम लोग इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट लाइन बाय लाइन करता है। अगर आप 50 लाइन या कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कन्वर्ट करने के लिए, तो पहले वो फर्स्ट लाइन को कन्वर्ट करेगा, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, ऐसे वो 50 लाइन तक लाइन बाय लाइन हर लाइन को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो
तो ये मेन डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। तो अब मैं बोलूँ कि स्पीड किसका ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली स्पीड कंपाइलर का ज़्यादा होगा क्योंकि वो एक ही बार में सारे डेटा को जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन डेटा को जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो ज़्यादा फास्ट होगा हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमारा थोड़ा स्लो होगा कंपाइलर के मुकाबले, बट ज़्यादा रिलायबल कौन होगा, तो ज़्यादा रिलायबल हमारा इंटरप्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि वो लाइन बाय लाइन धीरे धीरे किसी डेटा को जीरो वन में प्रोसेस कर रहा है, तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बट कंपाइलर एक ही बार में सारा डेटा को जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर एरर्स की चांसेस ज़्यादा होती हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे पास ये तीन ट्रांसलेटर प्रोग्राम होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम और जिस लैंग्वेज पे प्रोग्राम कर रहे हैं उस लैंग्वेज के प्लेटफॉर्म के द्वारा यूज़ किए जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें उस सजेशन को दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे पर्सन भी हमारे इस वीडियो को यूज़ कर सकें, देख सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, जो कि बिल्कुल फ्री है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।